HIV के मुख्य क्या क्या लक्षण होते हैं, ये चीज़ें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि आज के समय बच्चा बच्चा प्रोस्टिट्यूट के साथ, नई नई लड़कियों के साथ या अनजान लड़कियों के साथ आराम से कोई पब में गए या कहीं भी मिलकर सेक्स कर लेते हैं और उसकी वजह से नई नई बीमारियां ले लेते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हों, सेम कहानी है। तो उनको ये चीज़ें आगे चल के कुछ लक्षण आने लग जाते हैं, STD के लक्षण हो जाते हैं, जैसे HIV के हो चाहे हर्पीस सिफिलिस जो भी, लेकिन हम आज सिर्फ HIV के बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो HIV के लक्षण आ जाते हैं, क्या क्या लक्षण आते हैं, मुख्य लक्षण क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे, तो वो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। अब जैसे आप इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अगर आप प्रोटेक्शन इस्तेमाल करते हैं और आपको प्रोटेक्शन फटता नहीं है तो कोई चांस नहीं होता है कि आपको HIV हो, ठीक है। हर्पीस सिफिलिस वगैरह ये तो हो भी जाए लेकिन HIV होने के चांसेस बहुत रेयरली होते ही नहीं हैं अगर आपने प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया है और आपका प्रोटेक्शन बिल्कुल फटा नहीं है तो, ठीक है। तो बात करते हैं HIV के आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको अचानक वजन कम होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि आपने कोई भी महिला के साथ सेक्स किया है, पुरुष के साथ सेक्स किया और आपने आपका ब्लड ट्रांसफ़र हो चुका है और अचानक ही कुछ महीनों में या कुछ दिनों में आपका वजन अचानक बिना कोई बीमारी के, बिना किसी बात के वजन कम हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हो सकता है आपको HIV हो, ठीक है। ये सबसे मेन लक्षण होता है। दूसरा, बुखार, बार बार बुखार आ रहा है आपको, बार बार बुखार जा रहा है आपको, बार बार आप दवाई ले रहे हो लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा है आपको, कितनी भी आप कोशिश कर रहे हो तो भी ये भी एक HIV का लक्षण होता है। मांसपेशियों में दर्द होता है, ऐंठन होती है, ठीक है, खिंचाव हो रहा है आपको, ये भी HIV का लक्षण होता है। सिर दर्द, यानी सिर में आपका दर्द बनाया है बिना बात के, कोई गैस नहीं है, आपको पेट साफ है तो भी आपका सिर दर्द हो रहा है, ना आप आराम से प्रॉपर नींद ले रहे हो, सब सही है तो भी आपका सिर दर्द हो रहा है, तो भी ये भी एक HIV का लक्षण है, ठीक है। ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें जो कि हर HIV पेशेंट को आज ना कल तो झेलनी पड़ती हैं, ठीक है। सूजन, मतलब कि कहीं भी शरीर में सूजन हो जाए, गई आपके चाहिए कमर में, हाथों में, सिर पे, गाल पे, कहीं भी आपके शरीर में बेफालतू कोई बात नहीं है और कुछ भी हो जाए, ये ऐसे सूजन हो जाती है, ग्रंथियों में सूजन हो जाती है, ग्लैंड्स का आपकी सूज जाती हैं, ये भी HIV की नॉर्मल बहुत सारे पेशेंटों में लक्षण देखे जाते हैं। एक चीज़ और, जैसे कि आपने देखा होगा कि मुंह में छाले हो गए, जीभ वाइटिश हो रही है और वाइट सफ़ेद हो रखी है, ठीक है, गला भारी हो रहा है आपका बार बार, ये भी एक नॉर्मल HIV के लक्षण में ही आते हैं, ठीक है। ये मुख्य लक्षण है जो कि हर पेशेंट को आज ना कल कभी ना कभी जब HIV का वायरस हावी होता है आपके शरीर पे, देखिए बुखार एक ऐसी चीज़ है, जब भी आपके शरीर में वायरस आता है ना, हल्का हल्का बुखार आता है, ये नया वायरस आपके शरीर के साथ लड़ता है तो बुखार आता है, क्योंकि शरीर वायरस के साथ लड़ेगा तो बुखार आना एक नॉर्मल सी बात है, कभी ना कभी आएगा जरूर। बुखार वैसे भी हमारे आयुर्वेद में कहा गया है, इंसान मरता है और जिंदा होता है तो बुखार उसको आएगा ही आएगा, वैसे बुखार ही एक ऐसी चीज़ है जो शरीर में लड़ती है हर चीज़ से। बुखार का अर्थ यही होता है कि आपके शरीर के अंदर कोई वायरस आ चुका है और उससे वो लड़ रही है, और बहुत सारे लोगों को आता भी नहीं है बुखार जब तक उसके वायरस लेवल हावी ना हो जाए उसके शरीर पे, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, और ज़्यादा आपको डिटेल में बात करनी है तो हमारे डॉक्टर्स की टीम है, नंबर दिए हुए, आप इन पर संपर्क करके हमें कॉल कर सकते हैं कभी भी और कहीं भी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।